हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो भैया जिसका था इंतज़ार वो मैच आ चुका है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो अब अल्लाह जाने ये मैच कल हो पाता है या नहीं। ये रिकॉर्डिंग जब मैं कर रहा हूँ तो ये एक दिन पहले कर रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले। अब अल्लाह जाने ये कल मैच हो पाता है या नहीं, क्योंकि सुना है कि वहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और फ्लड का चांस भी है वहाँ पर। तो अल्लाह रहम करे और बस मैच जो है हमारा पूरा हो जाए किसी तरह से, उसके बाद देखते रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो 2 ओवर का हम लोग मैच खेलेंगे यहाँ पे दोबारा से, और जैसे कि मैंने टीम ले ली है अपनी, पाकिस्तान और इंडिया आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं अपना मैच, करते हैं कंटिन्यू। और यार स्टेडियम भी अवेलेबल नहीं है फिलहाल, लंदन ही अवेलेबल है, यहीं खेलते हैं। और आई थिंक नाइट मैच है पाकिस्तान का, नहीं डे एंड नाइट है, तो फिलहाल डे में ही रखते हैं हम लोग इसको। पिच रखते हैं डस्टी और शुरू करते हैं अपना मैच। तो जनाब आ गया है टॉस और हमसे पूछा जा रहा है कि हमने क्या लेना है, तो लेते हैं हम हेड्स लेते हैं। यार इंडिया की किट तो इन्होंने जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल वाली कर दी है, लेकिन बाकी टीमों की नहीं करी। अच्छा इंडिया ने टॉस जीता है और वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारी जो है वो बैटिंग है। बाबर आजम किट है ज़बरदस्त है लेकिन पुरानी है, इंडिया की अपडेट हो गई है लेकिन पाकिस्तान और दूसरी टीमों की नहीं हुई। तो भाई ये तो बड़ी गलत बात है, सबकी जो है वो अपडेट्स होनी चाहिए थी किट्स। खैर करते हैं इसको स्किप और करते हैं मैच शुरू। हाँ पता है भाई। तो जनाब पहली बॉल डालने जा रहे हैं कौन, भुवनेश्वर कुमार। अच्छा जी इसको हम खेलते हैं इधर। आई थिंक पहली बॉल में जो है हमने चौका लगाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन रुक जाएगी आई थिंक। खैर भाग के रन बना लेंगे हम। चार नहीं, चौका हो गया। पहली बॉल पे जो है वो 4 लगा है। दूसरी बॉल कुछ डिफरेंट शॉट्स खेलते हैं, इस तरफ खेलते हैं। वाइब्रेट हुआ है कुछ आई थिंक, चौका भी नहीं हुआ तो वाइब्रेट हुआ जो तक कि इस बात पे वाइब्रेट। अच्छा परफेक्टली टाइम हुआ है, इस वजह से ही शायद वाइब्रेट हुआ है। बेहतरीन, ये एक नई चीज़ है इस गेम में। आई थिंक किसी और गेम में जो ये वाइब्रेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये दोबारा खेलते हैं। एक रन मिलेगा यहाँ पे। ओहो डायरेक्ट थ्रो मारी, किस खुशी में मारी थी भाई। ऑफ पे खेलते हैं इधर। और ये गया है चौके के अंदर, चौका। चार रन मिले हमें पाकिस्तान को और इस तरह से हमारा जो स्कोर है वो हो गया 4 बॉलों पे 11 रन। बहुत ही बढ़िया भाई, इसको तो बैक पे खेलेंगे हम। और ना फिर उठा दिया, क्या ये चौका होगा? नहीं 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 रन, 2 रन बनेंगे यहाँ पे हमें। बाउंड्री का प्रयास था मगर सिर्फ 2 रन मिलेंगे। अच्छा जनाब तो भुवनेश्वर कुमार कराने जा रहे हैं अपनी आखिरी बॉल और देखते हैं इस पे क्या होता है। जोर से शॉट नहीं लगा। फिर क्या 3 रन ले देते हैं यहाँ पे, 3 रन आ गए यहाँ पे। इस तरह से 16 रन जो है वो हमारे 1 ओवर में बन चुके हैं। गेंद में उतनी गति और नहीं थी, दूसरा ओवर शायद अश्विन करा रहे हैं। हाँ अश्विन करा रहे हैं। अच्छा जी ये देखें, इस पे तो चौका निकलना चाहिए लाजमी। परफेक्टली टाइम लगा यहाँ पे।
सही शॉट था, एक ही रन बल्लेबाज के लिए। बेहतरीन शॉट, और ये मुझे लग रहा है चार होगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, भागते रो रन नहीं होगा आई थिंक, तो भाग के चार रन बना लेते हैं। भाग के जनाब चार रन बना लिए हमने, कोई मसला नहीं। वहीं पर ही बॉल डालिए दोबारा, तो वहीं पर ही हम शॉट खेलेंगे दोबारा। ये जनाब, अरे बच गए बच गए, अभी दूसरा रन लेने भाग जाता मैं। अच्छा तो भाई, अच्छा अब देखो फील्डर इन्होंने वहीं ले लिया भाई, अब हमें कहीं और खेलना पड़ेगा, इस तरफ खेलते हैं। अरे बच गए, ये भी आउट होता जी। बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे हम लोग लास्ट बॉल पे, इतना काफ़ी है। यहाँ से हम लोग देखते हैं अब, अरे बहुत लेट शॉट खेला हमने। वैसे एक शॉट इधर बनता है यार, उठा के मारने वाला। ये शॉट कोई भी नहीं है, गैप में खेला नाजरीन, बहुत ही जबरदस्त शॉट था ये चौके की जाने। ओवर, दोनों ओवर हो गए। तो जनाब दो ओवर में हमने बनाए हैं 28 रन और टारगेट हमने दिए हैं 29 रन का। अच्छा जी, तो शाहीन अफरीदी को हम लगाते हैं पहले, अपनी स्विंग से जो है वो हिंदुस्तानी बल्लेबाजों को जो है वो परेशान करेंगे। अच्छा जी, तो हैं हमारे सामने KL राहुल और रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को हम वही कराते हैं जो वर्ल्ड कप में बॉल कराई थी शाहीन अफरीदी ने, देखते हैं क्या ये वही उसी तरह आउट होते हैं या नहीं। और ये तो इन्होंने उठा के फेंक दिया, और ये भी कैच होता है, बच गया भाई। ओके जी, तो राहुल KL राहुल आ गए हैं, इनको हम कराते हैं वही वाली बॉल एक दफ़ा फिर, देखते हैं क्या ये उसी तरह आउट होंगे या नहीं होंगे। चलो भाई, ये थोड़ी सी आगे पड़ गई है। और बच गया बच गया, चलो हम मारते हैं इनको बाउंसर, और बिल्कुल परफेक्ट बाउंसर होगी ये, येलो पे आके रुके एकदम। ये हुई नबाद, आई थिंक ये चौका हो गया, गैप पाया और एक शानदार चौका। बाउंसर इज वेरी डेंजरस, शॉर्ट कर शॉर्ट कराते हैं इस दफा, फिर एकदम जो है वो येलो पे आके रुका है। बहुत ज़बरदस्त बॉल होने वाली है ये, और वाकई बहुत ज़बरदस्त बॉल थी बैट्समैन के लिए, क्योंकि उन्होंने उठा के फेंक दिया है ग्राउंड से बाहर, और चार रन मिलेंगे इंडिया को। एक और शॉट बॉल मारते हैं इनको, आठ बॉलों पे 19 रन चाहिए, देखते हैं क्या ये बना पाते हैं। ओहो, बहुत ही धुएंधार बल्लेबाजी की जा रही है भाई इंडिया की तरफ से, क्या ये मैच इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। मारते हैं जड़ एक दफ़ा फिर, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। और आई थिंक ये जो है वो बहुत ही ख़तरनाक बॉलिंग होने वाली थी, क्या ये कैच होंगे। अरे यार, फिर जो है वो थोड़ी सी आगे टिप्पा खा गई। तो दूसरा ओवर करवाने आ रहे हैं नसीम शाह, देखते हैं क्या पाकिस्तान को जितवा पाएंगे। छः बॉलों पर जो है इस वक्त 14 रन की ज़रूरत है, थोड़ी सी फील्डिंग हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि अब रिस्ट्रिक्शन हट गई हैं। चलिए जी, नसीम शाह बॉलिंग कराएंगे किसको, रोहित शर्मा को, और बहुत ही बढ़िया गेंद होने वाली है ये, बिल्कुल येलो पे आके रुका है। नसीम शाह जो है वो राइट हैंड से करा रहे हैं, ये एक नई चीज़ आई है भाई इसमें, और नसीम शाह ने विकेट ले लिया भाई, वेल डन। राहुल रोहित शर्मा जो है वो आउट हो चुके हैं छक्का मारने की कोशिश में, 6 बॉलों पे 14 रन बनाए उन्होंने। अब आए हैं कोहली, क्या ग्रेट कोहली जो है वो मैच जितवा पाएंगे इंडिया को, नहीं, 5 बॉलों पे 14 रन चाहिए। और यॉर्कर कराते हैं एक दफ़ा फिर,
येलो पे आके रुकी है थोड़ी सी, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है इस बॉल का। नसीम शाह सीधे हाथ से बॉलिंग कराते हुए, और एक दफा कोहली ने भी उड़ा दी है, और क्या ही आउट होंगे, आउट। और नसीम शाह जो है वो इस पर हैट्रिक पे पहुंच चुके हैं, इनका हैट्रिक चांस है, देखते हैं क्या ये हैट्रिक कर पाएंगे या नहीं। सूर्या कुमार यादव आ गए हैं, एक दफा फिर सेम लेंथ की बॉल कराते हैं, यॉर्कर मारते हैं, और आई थिंक ये नोबल ना हो जाए क्योंकि येलो और रेड के बीच में आया बिल्कुल। देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है, और ये इन्होंने लेग पे खेल दिया क्या यहाँ पे, मैं कैश तो ले लिया, नोबल तो नहीं होगी। अरे यार चलिए बल्लेबाजी खुल के खेले, नसीम शाह की हैट्रिक हो जाती है अभी, टैर कोई मसला नहीं, चलो मैच जीतना है, हैट्रिक इज नॉट इम्पोर्टेंट, 4 बॉलों पे 12 रन चाहिए इंडिया को जीतने के लिए। और देखते हैं ये नसीम शाह क्या करते हैं, और बोल्ड कर दिया भाई इन्होंने ये क्यों, अच्छा तो भूल ही गए थे कि फ्री हिट है, खैर कोई बात नहीं, चलो 2 बॉलों पे 2 दफ़ा आउट करने के बाद भी जो है वो विकेट नहीं मिली हमें। नसीम शाह आ रहे हैं और बॉल कराने, ये दोबारा उठा दी है, ये आउट, ये आउट हो गए ज़बरदस्त। अरे इन्होंने गिरा दिया, अरे ये भी है सीरियस में, ये तो मैंने अभी देखा है उस टाइम ऐसा हुआ, 3 बॉलों पे 3 दफ़ा आउट होते होते बच्चा है ये बंदा, यार कितना लकी है ये, काश इतना लकी ज़िंदगी में भी होता तो क्या बात थी। खैर जनाब कितने, 2 बॉलों पे 11 रन चाहिए, देखते हैं कोहली क्या करते हैं, स्ट्राइक पे कोहली हैं, और आई थिंक ये मैच जो है वो पाकिस्तान जीत चुका है, 1 बॉल पे चाहिए सिर्फ कितना 10 रन। अच्छा थोड़ी सी शॉट कराते हैं, मुझे बाउंसर ही मार दिया पूरी, अरे ये मुझे लग रहा है नो बॉल ना हो जाए, फिर भी रखी तो मैंने येलो पर ही है, और ये लग रहा है ऑफ का पेल दिया उन्होंने ज़बरदस्त, लेकिन कैच ले लिया उन्होंने, लेकिन अरे नो बॉल, ये इसमें बग है अभी भी, ये इसमें बग है, येलो पर था वो लेकिन उसने जो है उसको नो बॉल काउंट किया है, तो ये थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा। चलो जी 1 बॉल पे चाहिए 8 रन इंडिया को, क्या इंडिया बना पाता है, 9 बॉल भी हो गई, अरे ये तो फ्री हिट थे, अभी तो फ्री हिट है, इसके बाद 1 बॉल और होगी, 1 बॉल पे चाहिए इंडिया को, अरे नहीं फ्री हिट नहीं थी क्या, अच्छा फ्री हिट पे तो कैच लिया था सही। इस तरह से जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो जीत लिया है पाकिस्तान ने हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई ही जीत पाता है कल, या बारिश जीत जाएगी और इंडिया पाकिस्तान दोनों हार जाएंगे। तो जुड़े रहना हमारे साथ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, मिलेंगे फिर इंशाल्लाह अगले मैच में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।